मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण धीरे धीरे अपने पैर पसारता जा रहा है, जिसको देखते हुए अब जिला स्तर के साथ साथ तहसील स्तरीय प्रशासन भी सख्त और मुस्तैद हो गया है, जिसके चलते होशंगाबाद जिले की सिवनी मालवा तहसील में भी SDM DN सिंह, तहसीलदार दिनेश सावले, SDOP सौम्या अग्रवाल, BMO कांति बौथम, CMO यशवंत राठौर एवं समस्त प्रशासनिक अधिकारियों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिवनी मालवा में एक बैठक की। इसके बाद कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया और वहाँ की व्यवस्थाएं देखी। आपको बता दें, अभी तक तहसील में यह व्यवस्था थी कि अगर कोई कोरोना संक्रमित मरीज मिलता है तो उसे जिला चिकित्सालय भेज दिया जाता था, लेकिन अब स्थानीय प्रशासन ने छात्रावास में ही कोविड केयर सेंटर बनाया है। और आगामी समय में जिस प्रकार से कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है, अगर तहसील में कोई संक्रमित मरीज मिलता है तो अब उसका इलाज स्थानीय तौर पर छात्रावास में बने कोविड केयर सेंटर में ही किया जाएगा। SDM DN सिंह ने बताया कि यदि पूरे शहर में कोई अपना कोविड-19 टेस्ट कराना चाहता है या किसी को कोविड-19 के लक्षण आते हैं तो वह अस्पताल आकर अपना टेस्ट करा सकता है एवं इलाज के लिए अस्पताल की ओर से कोविड केयर सेंटर में ऑक्सीजन सिलेंडर, मास्क, सैनिटाइजर एवं समस्त दवाओं की व्यवस्था कर दी गई है। मैं हमने फीवर क्लिनिक का भी अवलोकन किया है और वहाँ पर जो पेशेंट आ रहे हैं, बहुत से पेशेंट चाहते हैं कि हमारा कोविड-19 का टेस्ट हो जाए। हम उनमें यदि किसी प्रकार के लक्षण दिखते हैं कि इनका टेस्ट करवाने लायक है, उनका टेस्ट भी करवा रहे हैं। लोग स्वेच्छा से करवा भी सकते हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि उनको कोई तकलीफ है। किसी प्रकार हमने कोविड केयर सेंटर भी बनाए हुए हैं यहाँ पर छात्रावास में, और क्वारंटाइन सेंटर बनाया हुआ है। उसी की व्यवस्थाओं के संबंध में देखने आया था। यहाँ हॉस्पिटल की ओर से सारी दवाएं और ऑक्सीजन सिलेंडर और ये पलंग, गद्दे, पंखों की व्यवस्था और अन्य जितनी व्यवस्थाएं हम उसके लिए चाहिए वो पूरी है या नहीं, किसी को देखने के लिए मैंने विजिट किया था और कुछ जो कमियाँ हैं उनको हम जल्दी से दूर कर लेंगे।